मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और इसके ड्रामे देखो, फिर सो गई। आँख भी नहीं खोली इसने, आँख देखो, आँख भी ना खुली इसकी। ये देखो कैसे ड्रामे कर रही है बिल्कुल। क्या हुआ बेटू, हट हट, देखो छेड़ूंगी मैं इसको, देखो ये देखो देखो देखो, देखो, देखो। कितनी मिर्ची लग रही है इसको, आजा। तो पापा के पास जाओगे? हाँ पापा तो ऑफिस गए। अभी मॉर्निंग में देखो उठ नहीं रही है, बहुत नखरे कर रही है उठने में। जब से इसकी तबीयत खराब हुई ना तब से थोड़ा नखरा ज़्यादा हो गया है इसका। रो के उठती है। पहले मैं इसको चुप करा लेती हूँ। आ जा बिट्टू, आएगी भी नहीं देखो। आ जाओ, आओ आओ इधर आओ, आ जाओ। नहीं आएगी, बेटा तो स्कूल गया, अभी अभी जस्ट गया है। आज ब्रेकफास्ट में मैं वो बना रही हूँ टोस्टर, जो कल मेरे आलू बचे थे थोड़े से सूखे आलू, तो उसी को मैं ब्रेड में भर के फिर बना रही हूँ। और एक तरफ बन रही है चाय और एक तरफ मेरे बन रहे हैं टोस्टर। ये देखिए थोड़े से मेरे आलू बच गए थे कल रात के, तो यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी बच गई थी छोले की विद पनीर, तो इसको मैं इसमें ऐसे भर लूँगी। इसको ना हल्की आँच में मतलब सेकना है इसको, अगर तेज आँच में इसको सेकेंगे तो ब्रेड हमारा जल जाएगा। तो हल्की हल्की आँच, थोड़ा सा या फिर घी लगा लो या फिर सरसों का तेल या फिर रिफाइंड, ऑप्शनल है, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। कल रात की मैं रोटी भी बच गई थी, तो बस मैं रोटी को भी गर्म कर लेती हूँ ऐसे। इसमें आलू मैंने भर लिए हैं, ये देखिए थोड़ा चिपक गया आलू उसमें, बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसको देसी घी में सेक लो, देसी घी का जो उसमें टेस्ट आता है ना बहुत ही अच्छा आता है। मैं तो थोड़ा तेल लगा रही हूँ क्योंकि पतिदेव जी को देसी घी मॉर्निंग में अवॉइड ही करते हैं, तो मैं हल्का हल्का इसमें ऑयल लगा रही हूँ। मैं अपने ही देसी घी लगाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरी बेटी उठी है, अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, तो अब मैडम जी की सुबह हुई है। अब देखो उठते ही इसको मेरी गोदी चाहिए। मैंने सोचा चलो जब तक ये नहीं उठती है मैं लैपटॉप पे कुछ काम कर लेती हूँ अपना थोड़ा। मतलब हमने ना पीहू के बचपन की फ़ोटो निकलवानी है, तो वही मैं फोटो सेलेक्ट कर रही थी, वही फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर रही थी इसकी सारी की सारी फ़ोटो, इसके बर्थडे की, फर्स्ट बर्थडे की और काफ़ी सारे चीज़ें मैं लैपटॉप में इसकी फ़ोटोज़ वगैरह सेलेक्ट कर रही थी निकलवाने के लिए। अब ये उठ गई है, अब महारानी जी करने काम देगी। लैपटॉप मेरा रखा हुआ है यहाँ पे और साथ में चार्जिंग पे भी मेरा लैपटॉप लगा हुआ है बिल्कुल। और तो मैं लैपटॉप ना शट डाउन कर देती हूँ क्योंकि ये उठ चुकी है और ये मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देगी लैपटॉप में। जब ये दिन को सो जाएगी तो मैं इसके फ़ोटोज़ वगैरह सेलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल मुझे काम नहीं करने दे रही है। तो तब तक मैं इसको नाश्ता वगैरह जो भी इसने करना है, वैसे तो इसके लिए ब्रेड रखे हुए हैं, अगर ये ब्रेड खाएगी तो ब्रेड खा लेगी, नहीं तो दोपहर को मुझे इसके लिए ना चावल दाल बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि 4-5 दिन हो गए ना इसने चावल खाए नहीं ना, तो ये बोल रही है चावा चावा दाल। और दाल क्या खाओगे, दाल के साथ क्या, चावा चावा बोलती है दाल और चावल, इसको 4-5 दिन से मिले नहीं है ना दाल चावल, तो आज मुझे बनाना पड़ेगा दाल चावल इसके लिए। कमरे कटोरी नीचे गिरा दी इसने। चूचू आ रही है, आओ कर लो, करवा दूँ, चलो चलो सुसु। मेरी बेटी का खेल देखो, अपने टॉय से नहीं खेलते। ये देखो ये एक फैन का बॉक्स है, तो इसके अंदर अभी घुस गई थी, निकल पा नहीं रही थी इसमें से। मेरी बेटी का खेल देखो, ये इसके अंदर घुस गई है बट बॉक्स के अंदर, अब ये निकल पा नहीं रही। नहीं अब अपने से निकलो, आप अपने से निकलो। अब ये निकल नहीं पा रही, रो रही है। भैया का बैट इसने ले लिया है, जो भैया एकेडमी लेके जाते हैं इससे खेल रही है। भैया का बैट इसने उठा लिया है, भैया का बैट देखो कितना बड़ा है, इसे उठाया भी नहीं जा रहा, तब भी भैया के बैट से ही खेलेगी।
तो साथ में अपनी साइकिल रखी हुई। नो अपने से निकलो, अपने से निकलेगी पीहू। अब ये निकल नहीं पा रही, चलो इसको निकाल देते हैं बॉक्स से। मैंने अपनी बेटी को निकाल दिया है, अब ये खेल रही है मज़े से। चलो ये जब तक खेलती है मैं अपना लंच बना लेती हूँ, मेरी बेटी को भूख लग रही है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और चावल मेरे बन रहे हैं। मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं क्योंकि मेरी बेटी को भूख लग रही है, तो वो चावल और दाल मांग रही है। उसने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको वो चावल दाल मांग रही थी, बस उसने थोड़ा सा दूध और बिस्किट खाया है, तो इसलिए मैं जल्दी आज लंच बना रही हूँ क्योंकि बेटी कब से बोल रही है भूख भूख भूख। ज़्यादा देर ना करते हुए दाल में तड़का लगा लेते हैं, फिर मैं अपनी बेटी को खाना खिला दूँगी झटपट। मैं आज जल्दी लंच बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को भूख लग रही थी और वो कब से कह रही थी मम्मी भूख भूख। मैंने बोला रोटी दाल खा लो, तो नहीं कह रही थी, नहीं मैं चावल दाल ही खाऊँगी, तो इसलिए मैं अपनी बेटी की फरमाइश का चावल दाल बना रही हूँ। तो मेरे चावल हो गए थे, उसका मैं पानी निकाल रही थी, पानी निकाल के मैंने गैस पे चावल थोड़ी देर के लिए रख दिए हैं जिससे कि वो उसके अंदर स्टीम बन जाए और थोड़ा चावल खिले खिले बने। तो एक तरफ मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ जीरा हींग टमाटर और साथ में कड़ी पत्ता डाल के, तो मसाले को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि दाल में तड़का लगा के ही टेस्ट आता है। तो मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है और उसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है जिससे कि जो दाल है वो बेसुवाद ना लगे, हल्का मिर्च होना चाहिए। और साथ में अपने चावल को देख रही थी वो हो गए या नहीं हो गए। अब मेरा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है और मैं इसमें डाल दूँगी दाल जो कुकर में मैंने बॉयल किया था। अब मेरा बन गया है दाल। दोपहर का खाना बनाने के बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ, तो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि किचन में गंदगी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के टाइम में थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए हाथ के हाथ में साफ़ कर लेती हूँ किचन। किचन मैंने साफ़ कर ली है अच्छे से। और ये कल के फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसमें से मेरी बेटी ने एक बनाना खा लिया है, तो अब मैं उसको थोड़ी देर से खाना खिलाऊंगी। और बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, अब देखती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है। ये देखो क्या इसने खुराफात मचाया है, वहाँ पे पानी कर दिया, यहाँ पे साइकिल गिरा दी और यहाँ पे ये देखो क्या इसने आतंक मचाया पूरे घर में। अब देखती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है, ये देखो मेरी बेटी क्या कर रही है, छुप गई है। बाबू मेरी पियू कहाँ है पियू कहाँ छुप गए थे आप? अच्छा आप छुप गए थे, मम्मी से छुप गए थे आप? देखो मैं इसको पता लग गया मम्मी आ रही है तो मैं छुप जाती हूँ। और ये देखो पूरे बेड की इसने ऐसी की तैसी मार के रखी है, सुबह से पता नहीं मेरे को 10-12 बार तो बेड की ना मुझे तय बनानी पड़ती है। ये देखो मेरी बेटी के ये पूरा बेडशीट इसने अब ऐसे ये बिगाड़ दी है। ये ना जैसे बच्चे बाथरूम वगैरह कर लेते तो ये मैं प्लास्टिक लगा के रखती हूँ जिससे गद्दे हमारे ख़राब ना हो। और ये देखो सारी की सारी बेडशीट इसने नीचे गिरा दी, ये है इसकी हरकतें, बहुत परेशान करती है मुझे ये। अब बताओ, अब मैंने सुबह ही पूरा घर सेट किया था, झाड़ू पोछा सब लगाया था मैंने, अब ये देखो फिर से मुझे पूरा सेट करना पड़ेगा। नटखट है, बहुत शैतानी करती है, ध्यान से देखो मेरी बाबू को, फिर उधर आओ। डांटने का नाटक करूँगी, देखो क्या करती है। आपने बेडशीट क्यों गिराई नीचे? डरती नहीं है बिल्कुल, वैसे मैं इसको डांटती नहीं हूँ, बहुत चंचल है, चंचलता होती है बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा डर नहीं बिठाना चाहिए बच्चों के दिमाग में, जो बच्चों का मन है वो बच्चों को कर लेना चाहिए। अब इसका डांस करने का मन है तो डांस कर रही है, कभी कुछ करने का मन करता है। अब पंखा फैन बंद कर दिया, मम्मी गर्मी में बैठेगी आपकी? आपकी मम्मी गर्मी में बैठेंगे? फैन चला दो, फैन चला दो, अब सी चलाएगी। ये देखो मेरी गुड़िया सो रही है, ये देखिए कितने मज़े से सो रही है बेटी मेरी। और मैं खा रही हूँ लड्डू, कल हरियाली थी, सॉरी परसों हरियाली तीज थी, तो वो प्रसाद के लिए मैंने बेसन लड्डू मंगवाए थे, तो मन कर रहा था मैं खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो खा लेती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।